गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लास वेगास, ड्रीम ऑफ एवरीबॉडी। हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल देसी बो ऑन यूट्यूब चैनल। देखिए हम कहां पर आ गए, लास वेगास के अंदर। ये देखिए मेरे पीछे हमारा वेलकम हो रहा है, स्वागत हो रहा है। हमारे साथ काफी लोग आए हुए, इतने सारे लोग हैं इस वेगास का एंजॉय, मजा लेने, एंटरटेन करने, और पूरे जलवे जलवे, लाइटिंग, लड़कियां, खाना पीना और खूबसूरती। और यहाँ पर न्यूयॉर्क, इजिप्ट और पेरिस, सारे नज़ारे यहाँ पर देखने मिलेंगे। इतना ब्यूटीफुल एरिया है, हम लोग इतना एंजॉय करने वाले और आपको भी करवाएंगे। आप कंटिन्यू बने रहे और पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, और लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए देसी बोपो ऑन यूट्यूब चैनल। लास वेगास में एंट्री करते ही देखिए क्या नज़ारा है, पब्लिक का नज़ारा तो है। और ये देखिए मेरे पीछे पूरा एयरपोर्ट लग के, मतलब ट्रैफिक रोड, हम जिस कार से आए उसी रोड पर लग ये एयरपोर्ट है। आइए दिखाता हूँ, ये सारे छोटे छोटे प्लेन है, मतलब प्राइवेट जेट है, मतलब जो ओनर होगा वो उसके दो चार आदमी फ्लाई करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। वो ये जगह काफ़ी प्लेन पड़े और देखिए पब्लिक के लिए ऊपर से उड़ रहा है, हर 15 मिनट में एक फ्लाइट उठता है। हम यहीं से फिर वापस रिटर्न आने वाले हैं आपके पास, तो आप बने रहिए। उससे पहले पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे और आपको भी करवाएंगे, लगे रहिए। माय गॉड, ये यहाँ की ब्यूटी है, पूरा फ्रूट है, मेक्सिकन लोग बनाते हैं इसमें मैंगो, पाइनएप्पल और वाटरमेलन और ककड़ी और दूसरा वो चिबड़ा जो अपनी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं है। इतना ब्यूटीफुल, ऊपर सॉस और चटनी डाल के, और गर्मी की मौसम में गरम गरम खाना खाने से अच्छा है फ्रूट खावे, ताकि सेहत भी मस्त रहे और आगे अपन पूरी रात इंजॉय कर। मोटर बाइक का शोरूम लास वेगास, माइकल जैक्सन लाइव। चाली नहीं करवा, ब्रुकलिन ब्रिज बने हुए हैं यहाँ जो। हाँ अच्छा, हाँ आखू न्यूयॉर्क नो पार्ट छे। हाँ जी, हाँ मैंने मार्शल न्यूयॉर्क बनाया, कोका कोला आखो न्यूयॉर्क बनाया। प्राडा नो शोरूम, प्राडा लुई विटोन नो शोरूम, हवे आ पेरिस आई। ओ माय गॉड, न्यूयॉर्क पे तू हवे आ पेरिस, એટલે તમારે પેરિસ જવાની જરૂર નથી, તમે અહીંયા જ પેરિસ ની મજા લઈ લો। યે અબ હમ આ ગયે હે પેરિસ, પહેલે હમ ન્યુયોર્ક મેં થે, અબ પેરિસ આ ગયે હમ। આઈ સાવાશ, યે દેખિયે એફિલ ટાવર, લાઈવ એફિલ ટાવર, યે દેખો, ઓ માય, દેખા યે ભી જલવે હે સબ અલગ અલગ। આ જો રિયલી એફિલ ટાવર બનાયો છે ભાઈ, આખા બિલ્ડિંગ ની ડિઝાઇન જ એવી, એના પર ઓલા ટાઈમ સ્ક્વેર ની જેમ બધું આપેલું છે, લાઇટિંગ કરેલું। ये देखिए यहाँ से गोल्फ खेलने जा सकते हैं, इस तरफ पूरा गोल्फ क्लब है। ये रहा उसका स्पोर्ट्स, सारा सामान मिलता है यहाँ पर, और पीछे गोल्फ क्लब है। गुड टैलेंट लाइव वेगास जो टीवी पे आता है, बहुत बड़ा शो है, जैसे हमारे वहाँ होता है वो यहाँ पर होता है। ये देखते हैं जीप पूरा दिख रहा है यहाँ पर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये गोल्डन गोल्डन पूरा बिल्डिंग। एंट्री करते ही हम लोग देखिए मेरे पीछे क्या नजारा है, ब्यूटीफुल इजिप्ट में आ गए। इजिप्ट में ये भी एक साइड सीन है, मतलब ये सब कैसीनो है पर इसकी डिजाइन ऐसी बनाई है कि हम इजिप्ट में है। ये पीछे इजिप्ट का राजा, और उसके पीछे देखिए अमेरिकन गॉड टैलेंट, जैसे अपने इंडिया के अंदर चलता है इंडिया गॉड टैलेंट करके, पर वो इसी से लिया हुआ था अमेरिकन गॉड टैलेंट। वो पूरे मतलब कई स्टूडियो में शूट होते हैं पूरे सारे एपिसोड, पर फाइनल जो होता है ग्रैंड ग्रैंड शो जो होता है
वो इस जगह पे होता है, ये परमानेंट है, उसका होल है, मतलब बहुत बड़ा काफी स्टेडियम है और बहुत बड़ी चीजें ये भी यहाँ हमको देखने मिल गया। वाह भाई वाह, क्या नजारे। ये सब फिल्मी प्रेमी लोगों के लिए है जो पार्टियां करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, मजा करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज देखने जैसी है। और चलते चलते अभी मैंने आपको दिखाया वो अमेरिकन गॉट टैलेंट्स, वो ये मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम जो है होटल्स प्लस कैसिनो दोनों साथ में चलता है और हर एक कैसिनो का जो है वो एक थीम होता है, कुछ ना कुछ थीम होता है, उस थीम के हिसाब से वो लोग अपने होटल की डिजाइन बनाते हैं, आउटलुक बनाते हैं और अंदर भी उसी तरह का होता है। और ये डिज्नी की तरह बनाया हुआ है, देखिए डिज्नी पूरा, इतनी बड़ी होटल है ये, पूरा प्लानिंग डिज्नी जैसा दिखता है, नजदीक से देखते हैं क्या है वहाँ। और ये MGM मैंने बताया था शायद यहाँ लॉस वेगास के अंदर सबसे बड़ा मतलब फेमस और सबसे बड़ा कैसिनो है, उसका नाम है MGM और वो कैस्पर भी है, सभी देखेंगे पर पहले बाहर से देख लेंगे फिर अंदर जाएंगे और अंदर का भी माहौल दिखाएंगे आपको। चलिए एक्सकैलिबर होटल डॉट कैसिनो मतलब होटल प्लस कैसिनो, आइए ये पूरा थीम है उनका डिज्नी की तरह, डिज्नी पीछे देखिए पूरी होटल जो बनाई है उसका आउटलुक, उसकी डिजाइन, उसके एलिवेशन जो भी हमारी भाषा में बोलते हैं पूरा डिज्नी की तरह लिया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये डिज्नी है। अच्छा अंदर फिर वही कैसीनो होगा तो हम बाद में रात को जाएंगे या जब टाइम मिलेगा तब अंदर जाएंगे, अंदर दिखाएगा। फिलहाल हम सब बाहर का आउटलुक देख लेंगे, इसमें खाली आउटलुक ही देखने जैसा है और रात को इसकी पूरी लाइटिंग है जबरदस्त, पूरा शहर चमकता है लाइटिंग से, देखेंगे आपको। ये डिज्नी से निकल के अब हम लोग चल रहे हैं जहाँ पर न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क थीम बनाया है, पूरा न्यूयॉर्क लिबर्टी स्टेच्यू वगैरह और ऊपर थीम पार्क और रोला कोस्टर वगैरह सब कुछ है। ये देखिए पूरा मतलब वहाँ लिखा हुआ है न्यूयॉर्क, ये होटल है कैसीनो है और उस तरफ जाएंगे और देखेंगे लिबर्टी स्टेच्यू रोला कोस्टर। एक रोड से दूसरे रोड पे जाने के लिए बहुत ब्यूटीफुल ब्रिज बनाया है और ब्रिज की बात देखिए एज गुड एज रेस्टोरेंट मॉल शॉपिंग, ऐसा लग रहा है मॉल में आ गए। ये यहाँ के सिस्टम मतलब इतना ब्यूटीफुल बनाया है, देखिए शॉप एंड किड, इसके अंदर जो मतलब रेन में बड़े बड़े मतलब जो एनिमल्स रहते हैं मगरमच्छ सांप अजगर उसका डेकोरेट किया हुआ है और जंगल में रेन के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उस तरह का जंगल का डेकोरेट किया हुआ है, अंदर परचेज भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। देखिए देखिए मुंडी हिल रही है थोड़ी 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 थोड़ी। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए दाड़ा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सारी चीज बनाई डेकोर, बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोर किया हुआ है। ये देखिए पूरा जंगल का माहौल ऊपर ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की मतलब सिगरेट के अंदर चिलम के अंदर लिक्विड के अंदर ये गांजा जिसको बोलते हैं अफिन गांजा वो कायदे से शॉप लगी और बिक रहा है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पर वीडियो लेना रिस्ट्रिक्शन है तो यही इतना खाली दिखा देते, देख लीजिए आप। इंग्लिश गोला पूरा भर के
दिया है ठंडा बर्फ और फ्लेवर डाल के, और इसके अंदर वाइन डाली हुई है, मतलब टकीला टाइप का कुछ, थोड़ा थोड़ा रम का या वाइन का टेस्ट आ जाता है, और ठंडक बहुत गर्मी में ठंडक भी है, बहुत मज़ा आता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, होटल प्लस रोड प्लस कैसीनो, ये देखिए नीचे पूरा कैसीनो भरा पड़ा हुआ है, जितना माल लगा दीजिए, तकदीर में होगा तो मिलेनियर बन के जाएंगे यहाँ पे। डाले और एकदम राइट जगह पे सोच के डाला तो डबल हो गया, 40 लेके बाहर निकलेंगे। अभी तो खाली शुरुआत है, पूरी रात बाकी है, ये तो खाली ट्रायल करने के लिए, लक चेक करने के लिए देखा था, अभी आगे जाएंगे और खेलेंगे। ये वो जगह है कैशियर, यहाँ मतलब आप अपना मेंबरशिप कार्ड बना सकते हो, मेंबर्स में आपको रिवॉर्ड जितना भी खेलोगे रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब एक 10-20-25,000 डॉलर का अगर आपकी लिमिट हो जाती है तो आपको रूम वगैरह फ्री मिलता है, और उसके बाद खाना पीना सब फ्री मिलता है। और अभी अभी जो छोटू खेला है $20 का एक ही गेम खेला है, 20 का 40, वो हमने रोकड़ी करा ली है। रात को हम 500, 1,000, 2,000 डॉलर लेके बैठेंगे, या तो गवा देंगे या 1 मिलियनर बन के आ जाएंगे अपने देश। आज हमारी पहली चन है, आज हमारी पहली चन है, ढाई ढाई थी गई छे, हेल्पिंग करे छे, वजन भी उच करे छे, अने ओछू ओछू बोले छे। તમારે કઈ જવાબ દેવું છે બળડી? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क क्लब होटल देख के, कैसीनो देख के, चॉकलेट भी खा के आ गए, अब आ गए दूसरे MGM ग्रांड की तरफ। ये देखिए बहुत बड़ा MGM, आधा कैसीनो जिसका अलग अलग नाम है उसका ये कंपनी का मालिक ये MGM वाला ही है, और इसमें जाएंगे देखेंगे थोड़ा बहुत खेलेंगे और रेस्ट करेंगे। पूरा न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क, अब भी हम वहाँ पर थे और अब देखिए इस तरफ आ गए, रोड पे एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, सारे लोग इतने ब्यूटीफुल ब्रिज बनाए इसी के ऊपर चलेंगे, लीगली चलेंगे। लोगों की मतलब ह्यूमिनिटी उनके दिमाग में ही है कि भाई रूल्स में रहना है, रूल्स से चलते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है यहाँ के। चले ये न्यूयॉर्क मॉल होटल और कैसीनो के बीच में, ये देखिए हर्षित चॉकलेट का भी बहुत बड़ा शोरूम है, अगर इसकी डिटेल्स में आपको जानना है, हर्षित के बारे में ज़्यादा जानना है, तो ऑलरेडी मैंने 1 साल पहले हर्षित का पूरा वीडियो बनाया है, वो पीछे जाके आप देख सकते हैं, और मैं टैग भी कर दूंगा, आप लिंक पे जाके उसको क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं ऊपर ऊपर से ये चॉकलेट भी। अभी हमने हर्षिल का शोरूम देखा और लास्ट ईयर भी हमने देखा था, उसी तरह ये MM का आ गया चॉकलेट का शोरूम, जो हमने लास्ट टाइम इसका भी डाला हुआ है, वो आप मेरी साइड पे जाके अंदर सिलेक्ट करके देख सकते हैं। MM का चॉकलेट का शोरूम पूरा लिंक भी डालूंगा मैं, वही चीज़ यहाँ पर लेस वेगास में आ गया है, सेम मतलब टाइम्स को देखो न्यूयॉर्क का और लॉस वेगास का ये स्ट्रीट देखो, पर यहाँ ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ थोड़ा होच पोच गिरदी, छोटा सा रोड, सिंगल रोड, और ये पूरा खुला हुआ है, मतलब एकदम ब्यूटीफुल, चलने के लिए भी काफ़ी जगह है और बहुत बड़ी जगह है उससे भी, इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, शायद ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी जगह है उससे बेटर।
You gotta put a lid on. ये देखिए एमएम से अभी मैंने खरीदी है, चॉकलेट खाऊंगा और हो सके तो इंडिया भी लेके आ जाऊंगा। और ये अब हम आ गए कोको कोला के पास। ये देखिए इतनी बड़ी बोतल बनी हुई है और अंदर भी ऐसे ही सब म्यूजियम जैसा कुछ देखने जैसा है। देखेंगे कोको कोला। सारी की सारी चीज कोको कोला ग्लास मग तक ये मतलब ये ग्लास वो ग्लास सब कोको कोला के नाम से मिल रहा है। ये देखो बड़ी बोतल है। ओह माय गॉड, Coca-Cola re. ये ब्रिज पे जाएंगे, ऊपर ऊपर तक हाइट पे है, हमारी फोटोग्राफी नीचे से कुछ नहीं आएगी, इसलिए हम ऊपर जाएंगे, वहां से फोटोग्राफी करेंगे और जलवे ही जलवे करेंगे। हार्ड रॉक कैफे। या नाउ इट वर्क्स, यू नो। रेस्टोरेंट, शॉपिंग, पार्टी एरिया, रात को यहाँ पर लोग खड़े खड़े दारू पीते होंगे, डांस करते होंगे, म्यूजिक बजता होगा और वही सब लड़कियाँ मर्द लोग अलग अलग ड्रेस में अलग अलग कॉस्ट्यूम में अपना फैशन डिजाइनिंग और डोल्पे गबाना ग्लूची गुची सब ब्रांडेड बड़ी मतलब ब्रांडेड में भी बड़ी हाई वीआईपी लोगों के लिए खरीदी करने के लिए इतना बड़ा मॉल है। बाद में जाएंगे देखेंगे और कुछ खरीदने के लिए। जैसे ठंडियों में अंगार जलाते हैं हीटर रखते हैं वैसे गर्मी के अंदर ये देखिए कूलर मतलब छोटी बारीक मतलब ऐसी वो बारिश की बौछारें जो आती है उस तरह से मशीन रखा हुआ है। ठंडा कूल तो आदमी को ऐसा लगता है वाह भाई वाह, आज शरीर में जान आई मतलब। ये जैसे पेरिस में एफिल टावर है इससे बहुत तो इससे 10 गुना ऊंचा है, ऐसे ही ये टावर है, इसमें भी शायद लिफ्ट में ऊपर लेके जा रहे हैं और पूरा व्यू दिखाएंगे। हम देखेंगे इसमें जरूर देखेंगे चाहे कितना भी डॉलर पैसा लग जाए। चलो इजिप्ट और न्यूयॉर्क छोड़ के और डिजनीलैंड छोड़ के अब हम आ गए पेरिस के अंदर। ये देखिए मेरे पीछे पेरिस का कोला और उसके साथ साथ पेरिस का टावर। ओ माय गॉड, और वहाँ जाएंगे पेरिस में गोल गोल घूमेंगे और मजे लेंगे। एफिल टावर जो पेरिस का है उसके नीचे और नीचे ये देखिए पूरा कैसीनो बना हुआ है। ऊपर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे होटल्स रूम वगैरह है, रेस्टोरेंट है और फिर उसके ऊपर जाके पूरा व्यू शायद दिखेगी। हम इंक्वायरी कर रहे हैं अगर ऊपर जाने मिल गया तो ऊपर से पूरा लेस वेगास का आपको व्यू दिखाएंगे। हेलो, हम
अब इस जगह पे आ गए हैं, तो वैसे मतलब थोड़ा धूप गर्मी कम हो गई है, भीड़ ज्यादा होने आई है। ये मेरे पीछे देखिए पूरा तालाब है और ये कैस्पर मतलब कैसीनो और होटल प्लस है। यहाँ का वो अमेरिका का सबसे बड़ा रिचेस्ट मतलब 2 नंबर का कैसीनो है। रात को हम वहाँ जाएंगे, पर उससे पहले ये ब्यूटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खाली झील नहीं है, अभी यहाँ पर वाटर मतलब फवारे का शो होगा। पूरा सुबह 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक चलता है। दिन में विदाउट लाइट दिखता है, फिर अंधेरे में आपको लाइटिंग के साथ फवारे का दिखेगा। पूरा म्यूजिकली शो होता है, बहुत मजा आता है। अभी 5-7-10 मिनट में शुरू होगा, वो देखने के बाद आपको दिखाने के बाद हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, होटल जाएंगे, चेंज करेंगे और फिर नाइट लाइफ की मजा लेने फिर निकल पड़ेंगे। आपको भी दिखाएंगे और हम खुद भी इंजॉय करेंगे। ओके ये अभी मैंने दिखाया वो न्यूली मैरिड मतलब देखिए फादर भी खड़े हैं, लड़की भी खड़ी है और शायद उसका रूम मतलब मर्जी कहीं होगा और वो लोग पीछे वो फाउंटेन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैं भी फाउंटेन देखने के लिए खड़ा हूँ, पर यहाँ ये माहौल देख रहा हूँ मैं कि ये ताज़ा मैरिज मतलब वो जो फादर जो मैरिज करवाते ये ब्लैक कोट में वो फादर है, यहीं पर मैरिज मतलब ये शो के एक तरह का मतलब एक न्यू इवेंट कि यहाँ लॉस वेगास के अंदर कैस्पर मॉल के नीचे कैसीनो के पास फाउंटेन म्यूजिकल फाउंटेन के अंदर वो मैरिज करेगी। अब ऑलरेडी स्टार्ट होने को आया, शायद आधा या 1 मिनट बाकी है जो स्टार्ट होगा। पीछे मेरे पीछे फाउंटेन और म्यूजिकल फाउंटेन जिसको बोलते हैं कलरफुल वाटर फाउंटेन स्टार्ट हो गया। देखो ये म्यूजिक स्टार्ट, ये स्टार्ट नाउ। ब्यूटीफुल शो था, म्यूजिकल वाटरफॉल वाटर डांस मतलब यही शो। रात को लाइटिंग के अंदर इतना और ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। इसको हम रात को भी देखेंगे, शूट करेंगे, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। इसी तरह बने रहिए, लगे रहिए लॉस वेगास के अंदर देसी बॉब के साथ।